biggest kitchen recipes at this side of the Kalmat and the instructor wasn't, and I will show you how to make instant chicken spring rolls with instant sauce or chutney. Let's start the process. Subscribe to our channel for more videos. And press the bell icon for further updates from BK's kitchen recipes. इंस्टेंट चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए थोड़ा चिकन ले और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नमक काली मिर्च डालकर इसे बॉईल कर ले। चिकन के बॉईल हो जाने के बाद इसके बारीक पीसेस कर ले। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करें। इसमें 2 से 3 चॉप्ड लहसुन डालें, 1/2 कप प्याज कटी हुई। इसको अच्छी तरह भून लें। प्याज के गुलाबी हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च डालें, 1 कप कटा हुआ पत्ता गोभी डालें। अब इसमें 1 कप कटा हुआ गाजर डालें। इसमें 1/2 कप कटा हुआ कैप्सिकम डालें। इसको ज़्यादा फ्राई ना करें। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालें और इनको अच्छी तरह मिलाएं। इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें। इसे भी अच्छी तरह मिलाएं। इसमें 1 टीस्पून विनेगर डालें, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। इनको भी साथ में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें श्रेडेड चिकन डालें और इनको अच्छी तरह मिलाएं। स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनकर तैयार है। एक बोल में 1 टीस्पून मैदा डालें और इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएं। एक रुमाली रोटी लें, इसमें फिलिंग डालें। जिस तरह बताया गया है उसी तरह इसे फोल्ड कर लें। मैदे का घोल लगाकर इसे अच्छी तरह सील करें। इसी तरह बाकियों का रोल बनाएं। एक पैन में ऑयल डालें और इसको मीडियम फ्लेम पर सेमी फ्राई करें। इसे फ्लिप करते हुए फ्राई करें। इंस्टेंट चिकन स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार है। इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस डालें। इसमें 5 टेबलस्पून शक्कर डालें। दो टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अच्छी तरह मिक्स कर इसमें पानी डालें। इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। चटनी को गाढ़ा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर इसका घोल बनाएं और इसको चटनी में डाल लें। इसको चटनी में मिक्स करते हुए डालें।
इसमें उबाल आने के बाद फ्लेम को ऑफ करें। इंस्टेंट चटनी या सॉस बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो लीव अ लाइक कमेंट डाउन एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल वीकेस किचन रेसिपीज़।